तो बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों, आपने झूठे भीमवादियों और नकली बुद्धिस्टों को खूब कहते हुए सुना होगा। वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर स्त्रियों के बड़े हितैषी थे, उन्हें पढ़ने का अधिकार दिया, स्वतंत्रता दी। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि यही बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बुक संपूर्ण वाङ्मय के खंड 40 के 467 पेज नंबर में लिखते हैं। महिलाओं की कांग्रेसी राजनीति समझ नहीं आ रही है। यदि महिलाएं लाज शर्म त्याग कर विधानसभा जाएंगे तो पुरुष क्या करेंगे? घर में खाना पकाएंगे, बच्चे संभालेंगे। बाद में यही महिलाएं घर लौटकर कहेंगी, अजी सुनते हो, घर का कामकाज हुआ कि नहीं हुआ? वो देखो, एक बच्चा रो रहा है, एक की नाक बह रही है, फिर आप ही कहोगे वुमेन। अब आप खुद बताइए, यदि बाबा साहब अम्बेडकर ने स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार दिया तो इस पढ़ाई का क्या लाभ, जहाँ बिचारी स्त्रियों में योग्यता होते हुए भी उनको घर में गुलाम बनकर रहना पड़े। अब ये सब जानने के लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा ना मेरी जान।